हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं नेहा तवर और आपका नेहा तवर डिज़ाइंस में बहुत बहुत स्वागत है। कैसे हैं आप सभी? आज मैं आपके लिए लेके आई हूं क्रॉप टॉप विद लहंगा। तो देखिए, आज का वीडियो बहुत इंटरेस्टिंग होने वाला है, तो शुरू करते हैं आज का ये वीडियो, जिसमें मैंने 4 से 5 साल की बेबी गर्ल के लिए ये क्रॉप टॉप तैयार किया, क्रॉप टॉप विद लहंगा तैयार किया है। तो सबसे पहले हम जो लहंगे के लिए फैब्रिक लिया है, मैं उसको 4 फोल्ड कर लिया है। और ये मैं जो क्रॉप टॉप बनाऊंगी उसके लिए यूज़ करूंगी। इसके नीचे हम इनर लगाएंगे, ये लहंगे का इनर है और ये हम टॉप में यूज़ करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले जो हमने कोन को 4 फोल्ड किया था, ऊपर से हम जितनी कमर है 6 है, तो मैंने 6 पे निशान लगाया और लेंथ मैंने 23 ली है। तो दोनों तरफ से इसको 23 23 मार्क करते हुए मैं इसको कट कर लूँगी। तो चलिए सबसे पहले मार्क करके हम इसको कट कर लेते हैं। हमें ये ध्यान रखना है कि जितनी हमें कमर लेनी है उतनी ही हम ऊपर से इसकी कटिंग करेंगे। तो ये कटिंग के बाद कुछ ऐसे दिखेगा। तो अब हम रेडी कर लेते हैं अपना क्रॉप टॉप की कटिंग। तो क्रॉप टॉप के लिए मैंने लेंथ ली है 7 इंच और ब्रेथ ली मैंने 7 इंच और लेंथ ली मैंने 12 इंच। तो तीरा मैंने 5.5 लिया है दोनों ही लेंथ भी। और इस तरीके से 1 इंच का मार्जिन देते हुए और मैं 2.5 इंच का गला लूँगी और 2 इंच इसकी लेंथ रखूँगी। तो इस तरीके से हम मार्क करके इसकी कटिंग कर लेंगे। और इसी के ऊपर रखते हुए हम जो मेन फैब्रिक है हमारा, जो टॉप है, उसको कट कर लेंगे। दोनों हिस्सों को अलग करके जो हमारा बैक है उस पे हम कट लगा देंगे। चाहे तो हम हुक भी लगा सकते हैं या आप जिप भी लगा सकते हो, यानी कि चेन। तो ये मैंने सर्कल कट किया है, ये मैं जो फ्लेयरी जो हमारी स्लीव्स होती है वो बनाऊंगी। तो इसको हम ऐसे ही 4 भागों में कट कर लेंगे, वो मैं बाद में बताऊंगी। तो पहले हम जो ये हमारा गला है टॉप का, उसको रेडी कर लेते हैं। तो जो हमारा मेन फैब्रिक है उसको हम उल्टा रख के इस पे एक पैर का मार्जिन रखते हुए सिलाई लगा लेंगे और इसको फिर क्या करेंगे, फोल्ड कर देंगे। तो दोनों तरफ ही हम ऐसे ही करेंगे। और फिर जब हमारा कंप्लीट हो जाएगा, यानी कि जो सिलाई हमारी कंप्लीट हो जाएगी, उसके बाद हम इसमें छोटे छोटे कट्स लगा देंगे और फिर हमारे जो कंधे हैं उनको जोड़ लेंगे। तो ये जो हमारी हमें स्लीव बनानी है, मैंने इसमें 4 सर्कल कट किए हैं, 2 बड़े और 2 छोटे। तो जो नीचे वाला है वो 8 इंच का लिया है मैंने और जो ऊपर का है वो 6 इंच का लिया है। और जो आप जो आर्म होल देख रहे हैं ये मैंने 3 इंच लिया है। तो ये जो हम बीच में सर्कल का जो कट देख रहे हैं, ये आर्म होल का, हमें जितना भी आर्म होल होता है उसकी हमें चौड़ाई देखनी होती है, उसी हिसाब से इसको कट करना होता है। तो चलिए अब हम इसको अटैच करने के बाद हम बाजू टॉप में अटैच करेंगे। तो अब हम रेडी कर लेते हैं अपना लहंगा। लहंगे में मैंने इनर को अटैच कर लिया, इनर को भी मैंने ऐसे ही कोन बना के कट करके इसमें अटैच कर लिया है पहले से ही। अब जो है मैं इसमें बेल्ट लगाऊंगी। तो बेल्ट को भी दोनों तरफ से फोल्ड कर लें और उस पर सिलाई लगा लें। तो इस तरह से मैं दोनों तरफ से सिलाई लगा लूँगी और फिर इसको हम क्या है, एक साइड दोनों को एक साथ नहीं जोड़ेंगे, जो बेल्ट है हम दोनों को फोल्ड करके नहीं जोड़ेंगे, बारी बारी से जोड़ेंगे। ये देखिए, ये जो लहंगा है इसको उल्टा करके ऐसे, हाँ ऐसे इसको हम रखेंगे। उल्टी साइड हमें बेल्ट रखनी है और अब हम इसमें बेल्ट को अटैच कर देंगे।
जब हम ऐसे बेल्ट जोड़ते हैं तो कहीं भी जो हमारा जो बेल्ट होता है उसमें झोल नहीं आता है, और फिर हम ऊपर से उसको मोड़ते हुए ना ही इसमें सिलाई कभी दिखती है। तो फिनिशिंग के लिए हमें, मैं ऐसे ही प्रेफर करती हूँ बेल्ट लगाना। तो ये हम बेल्ट को लगा लेंगे ऐसे, और फिर इसको दोबारा से फोल्ड करते हुए जो सीधी साइड है वहाँ से मोड़ के जो सिलाई है वो ना दिखे उस पे रखते हुए सिलाई लगाते जाएंगे। और इस तरह से मैं ये पूरी जो बेल्ट है मेरी कंप्लीट कर लूँगी। तो ये मैंने बेल्ट अपनी लगा ली है। अब जो है, जो ये हमारा फ्लेयर है इसको हम हल्के से मोड़ेंगे। आप चाहो तो पीको भी करवा लें। मैं इसको ऐसे ही मोड़ के सिलाई लगा रही हूँ, पतला पतला इसको किनारी को मोड़ के, और मैं इसको मोड़ के सिलाई लगा दूँगी। और फिर मैं इसको क्या है, जो हमारा साइड से खुला रहता है उसको अटैच कर दूँगी, और जिससे कि मेरा सुंदर सा लहंगा बनके तैयार हो जाएगा। ऐसे में जो हम बच्चों के लहंगे बनाते हैं तो मैंने कोई लेस इसमें नहीं ऐड की है, ताकि जो सिंपल लुक है हम किसी और टॉप पे भी हम इसको पहन सकते हैं। तो इसलिए मैंने इसको सिंपल रखा है, कोई लेस मैंने इसमें ऐड नहीं की है। हम भी अपने ड्रेसेस में ऐसा कर सकते हैं, लेस को प्रेफरेंस ना देके सिंपल रखें तो हम दूसरी ड्रेस पे भी उसको हम पहन सकते हैं। तो ये देखिए कुछ ऐसा लुक हमारे जो लहंगा है वो आएगा, और ये हमारा जो टॉप है वो ऐसे आएगा। तो ये टॉप ये देखिए पहनने के बाद कितना अच्छा लुक ये निकल के आया है। ये मेरी बेटी है। तो फ्रेंड्स, आपको कैसा लगा आज का ये वीडियो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। और जिसने आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें, चैनल को लाइक करें, वीडियो को शेयर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।